नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि कतर में होगा काम का बारिश, बिल्कुल सही बात है। कुछ दिनों से कतर का काम रुका हुआ था, वहां का वीज़ा रुका हुआ था और जो मेरे भाई कतर में जा रहे थे उनको प्रॉपर ओवर टाइम तक नहीं मिल पा रहा था, सैलरी टाइम से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब कतर गवर्नमेंट ने खुलासा किया है कि कतर गवर्नमेंट को एक सरकारी प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर लगभग बड़े बड़े 200 प्रोजेक्ट्स कतर के अंदर चलने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कतर की जो बेस्ट 50 कंपनियां हैं उनको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो अब कतर में होगा काम का बारिश। तो जो मेरे भाई लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कतर जाना है क्योंकि कतर में सैलरी अच्छी है तो हर एक आदमी जाना चाहता है कतर में। और फीफा वर्ल्ड कप के बाद से ही कतर का जो कंस्ट्रक्शन था वो थोड़ा सा कम हो गया था जिसकी वजह से वीज़ा नहीं निकल पा रहा था और वीज़ा ना निकलने की वजह से हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने दिसंबर वाले वीडियो में बताया था कि कतर के अंदर बहुत जल्दी फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा खबर है उन भाइयों के लिए जो मेरे भाई अरब देश में जाते हैं रोज़गार के लिए और ख़ासतौर से जो कतर में जाते हैं। तो कतर में अब मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर आप लोगों का नए कंपनियों की तरफ से काम आना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आना शुरू हो जाएगा, तो हर ट्रेड का उसमें काम आएगा। क्योंकि जब प्रोजेक्ट मिलता है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके अंदर सिविल हो, मैकेनिकल हो, सारे ट्रेड का काम आता है। तो एक ये अच्छी चीज़ है क्योंकि काफ़ी दिनों से केवल दुबई का ही काम हम लोग किए जा रहे थे, कतर का काम कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए स्टॉप हो गया था। और मेरे जो भाई इस वक्त कतर में हैं वो काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि सर कतर की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही है। तभी भी मैंने बोला था कि थोड़ा समय लगेगा कतर, लेकिन कतर दोबारा से स्टार्ट होगा और फिर उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। तो उम्मीद है काफ़ी जल्द कुछ अच्छा कतर से काम आने वाला है। हर ट्रेड में जब काम आता है, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हर ट्रेड के लिए काम आता है। तो थोड़ा सा बस आप इंतज़ार करिए और तैयार हो जाइए कतर जाने के लिए। बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे UCC है या HPK है या CCC है, बहुत सारी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कतर के अंदर उन सबको प्रोजेक्ट मिलेगा, सबके अंदर काम मिलेगा और वो बहुत जल्द अपने भारत में आएंगी एजेंसियां और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये अच्छी खबर है कतर की तरफ से। और कतर गवर्नमेंट की सैलरी भी अच्छी है क्योंकि कतर गवर्नमेंट ने अपनी सैलरी फिक्स कर दी है कि लेबर को कितना देना है, ट्रेडमैन को कितना देना है। और ये एक काम अच्छा हुआ है कतर का और गल्फ कंट्री के अपेक्षा। तो थोड़ा कतर में जाना बनता है क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है, काम अच्छा है। और अब जो नया प्रोजेक्ट मिला है गवर्नमेंट को उसके अंदर तो समझ लीजिए कि कई जो नामी कंपनियाँ हैं कतर में अब वो अपने भारत में आएंगी रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप तैयार हो जाइए, जो भी आपका ट्रेड है अनुमान है कि जल्द से जल्द कतर गवर्नमेंट का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गल्फ कंट्री में रोजगार से संबंधित सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास आए। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें और इंतज़ार करें, बहुत जल्द कतर से अच्छा काम आने वाला है। गुड न्यूज़ है कतर के लिए क्योंकि कतर में काम का बारिश होना अब स्टार्ट हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।